सोना क्लास सिक्स्थ जो फ्रेंड का रोल करेंगी, सुनीता क्लास एट्थ जो मैनेजर का रोल करेंगी, रिंकी क्लास सिक्स्थ जो पिता का रोल करेंगी, भूमि क्लास फिफ्थ जो चाय वाले का रोल करेंगी, श्रुति क्लास थर्ड जो पोते का रोल करेंगी। देखो मम्मी तो अब नहीं रही, इसलिए पिताजी को अपने साथ ही रखते हैं और उनकी सेवा करेंगे। मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, तुम उनका ख्याल रखना। ठीक है, आप ऑफिस जाइए, मैं इनका ख्याल रखूंगी। ओके बाय। ओके बाय। पापा जी, मेरी माँ का फोन आ रहा है, पहले मैं उनसे बात कर लेती हूँ। हाँ माँ, सुनो, आप ठीक तो हो ना? और पापा जी कैसे हैं? उनकी देखरेख अच्छे से करते रहिएगा। बहू एक कप चाय देना, ठंड सी लग रही है। आप देख नहीं रहे हैं, मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ फोन पर, अभी रुकिए। ठीक हाँ? है बहू, पहले बात कर लो। हाँ माँ, देखो ठंड बढ़ रही है, पिताजी का ख्याल अच्छे से रखना, उनकी सेवा जरूर करना, उनको समय पर चाय नाश्ता जरूर देना और घर से बाहर बिल्कुल मत जाने देना, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। बहू एक कप चाय दे दो। पापा आप अभी देख रहे हैं ना, मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ, जाइए बाहर। ठीक है बहू। हेलो रश्मि, एंड टेल मी हाउ आर यू? आई एम नॉट वेल, एंड यू? आई एम फाइन, बट व्हाट हैपेंड टू यू, टेल मी। बहू भूख लग रही है, अब नाश्ता भी चाय के साथ दे दो। पापा जी आपने तो हद कर दी है, आप देख नहीं रहे हैं मेरी प्रिया सहेली घर पर आई है, पहले इसको चाय नाश्ता करा देती हूँ, फिर आपके लिए एक कप चाय बना दूंगी। ठीक है बहू। लीला टेल मी अबाउट योर पर्सनल लाइफ। माय लाइफ इज वेरी हैप्पी। ओ सो नाइस, हाउ यू आर फ्री फ्रॉम द फैमिली? यस नो डाउट। हाउ इज दैट? बहू क्या हुआ, नाश्ता तैयार नहीं हुआ, बहुत तेज की भूख लगी है। पापा जी आपसे मैं दुखी हो गई हूँ, जाइए बाहर जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए। बहू पैसे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल ही तो दी थी, खत्म हो गई क्या? हाँ बहू रहने दो, मैं चाय बाहर जाकर पी लूँगा। मैं अपने ससुर जी को वृद्धाश्रम में भिजवा दी हूँ, अपने हस्बैंड से बोलकर पैसे फोन से हर महीने भेज देती हूँ। एक काम कर, तू भी अपने हस्बैंड से बोल के अपने ससुर जी को वृद्धाश्रम में भिजवा दे। हाँ लीला तुम ठीक कह रही हो, मैं भी इनसे बहुत दुखी हो गई हूँ, आज शाम को उनसे बात करती हूँ। ओके इसमें चलती हूँ, बाय। ओके लीला बाय। बाबूजी आपके लिए एक कप चाय बना दूं? नहीं नहीं, मैं घर से चाय पीकर आया हूँ। आप दुखी लग रहे, घर में सब कोई ठीक तो है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। जब से चाची चली गई है तब से तुम बहुत उदास लगने रहे हो। बुढ़ापे में बेटा साथ नहीं देता। कहाँ हो रश्मि, देखो ठीक तो हो ना? कहाँ ठीक हूँ, मेरी तबीयत खराब लग रही है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा करते हैं आज बाहर जाकर खाना खा लेते हैं। दवाई ला दूँ क्या? चलो ना प्लीज। नहीं रश्मि, पापा जी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उन्हें बाहर का खाना खाने से मना किया है। चलो ना प्लीज, पापा जी दिन का खाना पड़ा हुआ है वही खा लेंगे। नहीं रश्मि, आप कहीं नहीं ले जाते हैं घुमाने के लिए, मेरी फ्रेंड लीला हमेशा घूमती रहती है। जब से यहाँ आई हूँ मुझे कभी सुख नहीं मिला है, लगता है मुझे कभी सुख नहीं मिलेगा आपकी कमाई से।
ऐसी बात नहीं है, चलेंगे घूमने, पिताजी को ठीक होने दो। ऐसा कीजिए ना, आप भी पापा जी को वृद्धाश्रम में भिजवा दीजिए। आपके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, उनको पैसा हर एक महीना भेज दिया करेंगे और हमें वहाँ जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो रश्मि, पिताजी वहाँ पर नहीं रह पाएंगे, वहाँ हम लोगों से बहुत प्यार जो करते हैं, हम लोगों के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। देखो पिताजी की उम्र के वहाँ बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं, उनकी दोस्ती उनसे हो जाएगी और वो अपने ग्रुप में मस्त रहेंगे, इसीलिए मैं कहती इनको वही छोड़ आते हैं। जी आपका यहाँ पर मन नहीं लग रहा होगा, ऐसा करते हैं आपको वृद्धाश्रम पहुँचा देते हैं, यहाँ पे आपके उम्र के बहुत सारे बुजुर्ग लोग होंगे, वहाँ पर आपका मन भी लग जाएगा और पैसे पे फोन पे कर दूंगा हर एक महीने। ठीक है बेटा, आप लोगों की खुशी के लिए सब कुछ मंजूर है। हेलो मैनेजर अंकल, नमस्ते। नमस्ते बेटा, आओ। ये मेरे पिताजी हैं, इनको यहाँ पर रखने आए हैं, पैसे पे फोन पे कर दूंगा हर एक महीने। ठीक है बेटा, आप जाइए, आपके पिताजी यहीं पर रहेंगे। ठीक है। अभी अपने देखा होगा कैसे एक बेटे ने अपने बाप को, अपने पिताजी को वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। अच्छी नौकरी थी उनकी, सैलरी भी बहुत अच्छी थी, फिर भी अपने पिताजी को वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। अब हम चलते हैं उनकी जीवनी में, जब वो छोटे थे तब कैसे थे वो, अब 5 साल बाद, इसके बाद 5 साल बाद क्या होता है देखिए आगे। इसे बाहर घुमा दीजिए। ठीक है रश्मि, मैं बाहर घुमा कर लाता हूँ। इस बार इसके जन्मदिन पर पार्टी करेंगे होटल में, बहुत सारे खिलौने और एक साइकिल लेके आना है। इसमें बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, ऐसा करते हैं घर पर ही केक काट लेते हैं, कम खर्च में काम बन जाएगा। देखो एक ही लड़का है, इसकी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे, पैसा मत देखिए, इसकी खुशी देखिए। देखो रश्मि, अभी इसके पढ़ाई में भी बहुत पैसे खर्च होंगे, क्योंकि इसको शहर के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, ताकि बड़े होकर कुछ अच्छी नौकरी करेगा। वो सब तो ठीक है, पर अभी इसको जो चाहिए वो लाके देना है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं करनी है। आज हमने इसका जन्मदिन धूमधाम से मना लिया। जब मैं भी छोटा था तब मेरे मम्मी पापा भी मेरा जन्मदिन ऐसे ही मनाया करते थे। आज पापा जी की याद आ रही है, पापा जी पता नहीं किस हाल में आश्रम में होंगे, कभी मिलने भी नहीं गया, आज मैं इनसे जरूर मिलने जाऊंगा। मिश्रा जी, आपका बेटा आपसे कभी भी मिलने नहीं आता है, बट पेमेंट टाइम पे कर देता है। बहुत बड़ा अफसर है ना, उसे टाइम नहीं मिलता होगा। सुना है आपका एक पोता भी है। हाँ सही सुना है आपने, बहुत सुंदर है, बहुत मन करता है उसे मिलने का, काश एक बार देख लेता तो भगवान।
गोपाल से कोई शिकायत नहीं करता। चले जाइए उनसे मिलने के लिए। वो तो मुझे पहचानेगा ही नहीं, कभी देखा नहीं है ना मेरे को। राज आएगा तो बोलूँगा मेरा पोता कहाँ है, उसे क्यों नहीं लाया। मिश्रा जी आप पार्क में बैठिए, लगता है कोई ऑफिस में आया है। ठीक है। मैनेजर अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा आइए। पिताजी कैसे हैं? पिताजी ठीक हैं, बट आप सबसे मिलने के लिए तरस जाते हैं, कभी कभी तो रो देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैनेजर अंकल मैं भी उन्हें बहुत याद करता हूँ, परंतु कभी मिलने नहीं आया। अच्छा अंकल ये बताइए, जब मैं पहले दिन यहाँ पर आया था तो पिताजी ने आपसे हाथ मिलाए थे, और आज भी आप दोनों एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं। हाँ बेटा ये सही बात है, हम एक दूसरे को कम से कम 25 वर्ष से जानते हैं। वो कैसे? सुनो, आज से 25 वर्ष पहले मिश्रा जी अपनी पत्नी के साथ यहाँ आए थे एक बच्चा गोद लेने के लिए, क्योंकि उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। शायद वो बच्चा तुम ही हो। उन्हें क्या पता था कि जिस बच्चे को वो आश्रम से लाएंगे वही बच्चा उन्हें आश्रम में पहुंचा देगा। यानी मैं अनाथ हूँ और पापा जी ने कभी मालूम नहीं चलने दिया। क्योंकि आप सबसे बहुत प्यार करते थे। सच में अंकल मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं पापा जी को पहचान नहीं पाया, सब कुछ मेरे नाम कर दिया जो कि उन पर मेरा हक भी नहीं था, और मैंने क्या क्या किया, उन्हें ही आश्रम भेज दिया। बेटा पापा तो ऐसे ही होते हैं, अपने बच्चों के लिए सब चीज़ कुर्बान कर देते हैं। बट अंकल इतनी बड़ी कुर्बानी, अपना कोठी गाड़ी बैंक बैलेंस सब कुछ मेरे नाम कर दिया जो कि उनका हक भी था, और मैंने क्या किया, उन्हें आश्रम भेज दिया। अभी भी समय है बेटा, वापस ले जाइए अपने पापा को। मैं किस मुंह से माफ़ी मांगूं, मैं माफ़ी के लायक भी तो नहीं हूँ। अच्छा अंकल मैं अभी घर जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा और पापा जी को घर ले जाऊँगा। हाँ क्या पापा जी से मिलने गए थे? पड़ गई ना शांति, आए ना मुँह लटका के, बड़े पापा वाले बने थे। दादू से मिलने गए थे? आप तो कहते थे दादू है नहीं, चलो ना दादू के पास, मेरे को दादू से मिलना है। हाँ पापा जी से तो नहीं मिल सका, बट मैनेजर अंकल ने सब कुछ बता दिया। रश्मि मैं अनाथ हूँ, पापा जी मुझे आश्रम से लाए थे और इतना प्यार दिया कि सब कुछ मेरे नाम कर दिया, मुझे स्कूल के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाया ताकि मैं बड़ा होकर ऑफिसर बन सकूं, और मैंने क्या कर दिया, उन्हें ही आश्रम भेज दिया। ये आप क्या बोल रहे हैं, आप होश में तो है ना? हाँ मैं होश में हूँ और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, सब कुछ देवता जैसे पिताजी का है। चलो रश्मि पापा जी को आश्रम से वापस लाते हैं। सब कुछ मेरे से हुआ है, पापा जी कभी गलत नहीं थे, मैं ही अपने ऐशो आराम के लिए उन पर गलती का आरोप लगाया ताकि आपसे बोलकर उनको वृद्धाश्रम भिजवा दूँ, बट आप तो मना ही कर रहे थे पर मैं नहीं मानी। चलिए उनके पास, उनको जो सजा देनी है मैं मानूंगी। मैं भी चलूंगा दादू से मिलने।